नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा जिंदल गुप्ता। मैं एक चेस स्पेशलिस्ट हूँ और नोएडा में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज जिस विषय में जो मैं आज बात करूँगी वो है ब्रोंकियल अस्थमा, जिसे हम दमा भी कहते हैं। हमारे देश में ये दमा शब्द देखते ही सारे लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। सो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊँगी कि ये बीमारी है क्या। ब्रोंकियल अस्थमा एक बीमारी है, ये बेसिकली एलर्जी की बीमारी है जिसमें हमारे सांस की जो नलियां हैं वो सुकड़ जाती हैं। अगर आप देखेंगे ये हमारा फेफड़ा है और ये सांस की नलियां हैं, तो जब इसका डायमीटर छोटा हो जाता है किसी ऐसे पदार्थ से जिसे हम कहते हैं एलर्जन, एलर्जन होता है ऐसा पदार्थ जो जब सांस की नली में आता है, इससे सांस के अंदर जो सांस की नलियां हैं वो हाइपर रिएक्टिव हो जाती हैं और उसके अंदर सूजन आ जाती है और सुकड़ जाती हैं, उनका डायमीटर छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से दमा के लक्षण आने लग जाते हैं। अब एलर्जन कहते किसे हैं? एलर्जन हम उसको कहते हैं, वो ऐसे होते हैं जिनकी वजह से सांस की नलियां सुकड़ जाती हैं, चाहे वो धूल हो, मिट्टी हो, प्रदूषण हो, या कोई परफ्यूम हो, अगरबत्ती का धुआं हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जब ये सांस की नलियां सुकड़ जाती हैं, इसमें दमा के लक्षण आने लगते हैं। दमा के लक्षण क्या होते हैं? दमा के लक्षण होते हैं खांसी आना, बलगम बन जाना, खूब बलगम निकलती है, सांस में तकलीफ होती है, सांस मरीज जोर से लेने लग जाता है और एक आवाज आने लग जाती है जिसे हम वीजिंग कहते हैं, छाती में जकड़न सी होने लग जाती है और मरीज परेशान हो जाता है। अब इसका बचाव क्या है? दमे का बचाव है कि जिन चीजों से एलर्जी है उन चीजों से बचना है। तो ये एलर्जी के जो एलर्जन होते हैं इन चीज़ों से हमें बचना है, जैसे धूल धुआं मिट्टी वाली जगहों में नहीं जाना, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट्स हो रही है वहाँ नहीं जाना, अगर गाड़ी में जाते हैं तो गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ा के रख के कहीं पे भी ट्रैवल करना है। हर मरीज का जो एलर्जन प्रोफाइल होता है वो डिफरेंट होता है। हो सकता है कि जो मरीज मिट्टी से अभी एलर्जिक है दूसरा मरीज उससे ना हो, तो हर मरीज को अपना एलर्जन पहचानना है कि मैं इस चीज़ से एलर्जिक हूँ, और उसका बचाव, उससे उसका अवॉइडेंस ही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। उसके अलावा जो इलाज दमे का है वो है इन्हेलर्स। इन्हेलर्स एक सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज है दमे का। इससे पहले जो दमे का इलाज था वो था टैबलेट्स के फॉर्म में, बट साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है उस टैबलेट्स को हमने इन्हेलर्स में कन्वर्ट कर लिया है। इन्हेलर्स एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा जो दवाई है वो मरीज खींचकर सांस की नली में खींच लेता है और वहीं पे लोकली वो मेडिसिन एक्ट करती है और हमारे सारे सिम्टम्स को वहीं पे तुरंत रिलीफ मिल जाता है। दूसरी चीज़ जो हमसे कॉमनली पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या जब हम इन्हेलर्स लेंगे वो हमें ज़िंदगी भर लेने हैं, तो मैं यही पेशेंट्स को समझाती हूँ कि इन्हेलर्स अगर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो ज़िंदगी भर लेने पड़ेंगे। दमे भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक सबसे कॉमन दमा जो होता है वो होता है सीजनल ब्रोंकियल अस्थमा। सीजनल ब्रोंकियल अस्थमा उसे कहते हैं जब मौसम में कोई बदलाव आता है या ऐसा कोई एलर्जन का पदार्थ सांस की नली में आता है जिसकी वजह से एयरवेज हाइपर रिएक्टिव हो जाते हैं, सिर्फ उस दौरान पेशेंट को इन्हेलर्स लेने पड़ते हैं और ग्रेजुअली उन्हीं इन्हेलर्स की डोजिंग को धीरे धीरे टेपर करके उनको बंद कर दिया जाता है। एक ऐसा दमा होता है जो एक स्टेज के बाद पूरे समय जिसमें ज़िंदगी भर मरीज को इन्हेलर्स लेने पड़ते हैं, बट सबसे अच्छी चीज़ है कि इन्हेलर्स का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बीमारी का पूरा इलाज है उसको अच्छे से कंट्रोल में करा जाता है। जिस प्रकार से एक ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीज जिंदगी भर दवाई लेता है उसी प्रकार इन्हेलर्स भी लिए जा सकते हैं। सो अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ब्रोंकियल अस्थमा जिसे हम दमा कहते हैं इसका इलाज अच्छे से संभव है। सबसे ज़रूरी इलाज है कि जिस चीज़ से एलर्जी है उससे बचाव रखना है। अगर हम उस चीज़ का बचाव रखेंगे तो हमें दवाइयों की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी, और अगर दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज जो उसका है वो है इन्हेलर्स, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। धन्यवाद।